नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। आईपीएल का 28वां मैच शनिवार को किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा। पंजाब को पिछले मैच में मुंबई इंडियंस से मात मिली थी। पंजाब की टीम 7 मैचों में 4 में जीत हासिल करके अंक तालिका में 5वें नंबर पर है। वहीं बैंगलोर ने 6 मैच खेले हैं और वह सभी में हारी है। उसे आईपीएल 2019 में पहली जीत का इंतजार है। पंजाब ने अपने होम ग्राउंड पर 3 मुकाबले खेले और तीनों में ही जीत हासिल की है। दोनों टीमों के बीच आईपीएल में कुल 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें किंग्स 11 पंजाब 12 और आरसीबी ने 10 मुकाबले जीते। आईएस बिंद्रा स्टेडियम में दोनों का 6 बार सामना हुआ है और बैंगलोर व पंजाब दोनों 3-3 बार जीते। बात करें दोनों टीमों के खिलाड़ी की, मेजबान पंजाब के पास क्रिस गेल, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, आर अश्विन, सैम करन, सरफराज खान जैसे धांसु खिलाड़ी हैं। वहीं बैंगलोर की टीम विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मोइन अली, टीम सऊदी, युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों से सजी है। बात करें अगर दोनों टीमों में, तो दोनों टीमों में पंजाब का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर अभी तक एक भी मैच जीती नहीं है, लेकिन वो आज अपना पहला मैच जीतकर अपनी रही सही इज्जत बचाने की कोशिश करें। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना।